जादू और उसके दोस्त कोको और टोटो कृष्णा को किड क्रिश का रूप देते हैं और मिलकर डॉक्टर पारा का सामना करते हैं। गोजोनियन नाम की एक भयानक एलियन कॉम अपने फायदे के लिए डॉक्टर पारा को और भी शक्तिशाली डॉक्टर पारा 2.0 का अवतार देती है। ये गोजोनियन कॉम एक ही चीज चाहती है, पूरे यूनिवर्स पर राज। गोजोनियन कॉम अब अपने लक्ष्य से दूर नहीं, क्योंकि डॉक्टर पारा 2.0 ने सनडायल, रुद्राक्ष और जेड कॉन्ट्रैप्शन सब हासिल कर लिया है। अब उन्हें सिर्फ एक आखिरी कड़ी की तलाश है। उन्हें कोई रोक सकता है तो वो है सिर्फ किड क्रिश। जल्दी जियो बीनो, पिक्चर का वक्त हो गया है। हमें वहां एक ट्रिप प्लान करनी होगी जियो बीनो। भागो यहां से। क्या खत्म? डॉक्टर पारा 2.0 तुम जैसे कांटेदार एलियंस का चपरासी नहीं है। हमारी डील के मुताबिक हमने मिशन के आखिरी पड़ाव के लिए किसी और को चुना है। तुम्हें दिया हुआ ये बायोनिक शरीर अब तुम्हारे किसी काम का नहीं। हम इसे डीएक्टिवेट करते हैं। नहीं, डॉक्टर पावा पारा कुछ भी करने के लिए तैयार है। गुड बाय डॉक्टर पारा 2.0। हाय जादू, क्या हुआ टोटो? कृष्णा, हमें जल्द से जल्द मदरशिप लौटना होगा। डॉक्टर पारा की सूट के टुकड़े को टेस्ट करने पर हमें पता चला कि गोजोनियन नाम की एक भयानक कॉम फिर से जिंदा होकर पृथ्वी पर आ गई है। गोजोनियंस सारे यूनिवर्स पर राज करना चाहते थे। वो दूसरी जातियों के लिए खतरा बन गए थे। इंटरगैलेक्टिक काउंसिल ने तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की। एक घमासान महायुद्ध में गोजोनियंस को हार माननी पड़ी, लेकिन कुछ गोजोनियंस अभी भी जिंदा है। ये कुकून हमें मंगोलिया में रेत में दफना हुआ मिला था। गोजोनियंस इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन कैसे वो हमें नहीं पता। हमें लौटकर काउंसिल को गोजोनियन रेस के बारे में बताना होगा, वरना सारे यूनिवर्स को खतरा हो सकता है। ठीक है जादू, मिंगयू और मैं यहाँ पृथ्वी पर इस मामले की जांच करेंगे। अब समझ में आया, डॉक्टर पारा की शक्तियों के पीछे भी गोजोनियंस का ही हाथ था। हमें डॉक्टर पारा को किसी भी तरह ट्रैक करके ढूंढ निकालना होगा। उसके पास जरूर इस सब का जवाब होगा। ये ट्रैक पैड तुम्हारी मदद करेगा। डॉक्टर पारा को आखिरी बार उसके जंकयार्ड लैब में ट्रैक किया गया था, उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया। हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं।
सिर्फ 5 मिनट का फुटेज मिला, क्लिप को चैनल पर लूप करो। रो पांडा। हाँ कौन? मैं गोजोनियन कौम का सरदार हूँ। हम चाहते हैं पृथ्वी पर छिपे हुए ब्लू डायमंड की तलाश के मिशन में तुम हमारी मदद करो। अंतरिक्ष के एलियन धरती पर खजाना ढूंढ रहे हैं, ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है। हमारी गोजोनियन कौम इंटर डायरेक्टिव काउंसिल के हाथों हुई नाइंसाफियों का सामना कर चुकी है, इसलिए उस ब्लू डायमंड को हासिल करना बहुत ही जरूरी है। जब वो हमारे हाथ लग जाएगा तब हम उसके और सन डायल, रुद्राक्ष और जेड कॉन्ट्रैप्शन की मदद से पूरे यूनिवर्स पर काबू पा लेंगे। और तुम पृथ्वी के कमांडर बन जाओगे। क्या तुम तैयार हो? कमांडर रूप पांडा, सबसे शक्तिशाली इंसान, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? क्या तुम इस जगह को पहचानते हो रूप पांडा? ये तो साउथ अफ्रीका का मशहूर लायंस क्राउन माउंटेन है। ब्लू डायमंड यही छिपा हुआ है और तुम्हें इसे हासिल करना होगा। और किड क्रिश, उसका क्या? वो मामूली सा बच्चा, उसके पावर्स हम अपने हथियारों से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और संजान और बाकी के बीट्स तो तुम्हारे पास होंगे रूपांडा, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? रूप बॉन्डा 6 मौके गवाने वालों में से नहीं है। डॉक्टर पारा की शक्तियों के पीछे भी गोजोनियंस का ही हाथ था। हमें डॉक्टर पारा को किसी भी तरह ट्रैक करके ढूंढ निकालना होगा। उसके पास जरूर इस सब का जवाब होगा। हाँ, यहाँ कचरे के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये ट्रैकर पैड भी कुछ पिकअप नहीं कर रहा। यहाँ कोई तो क्लू जरूर होगा, कोई पेपर्स या डिस्क। कृष्णा, हाँ? ये तुम्हारे डैड है ना? हाँ। कृष्णा वो देखो। अरे ये तो कोई एलियन कोड लगता है, लेकिन इसे पढ़े कैसे? इसे डीकोड तो सिर्फ जादू कर सकता है। मुझे देखने दो। कृष्णा, जादू नहीं लेकिन जादू के ट्रैकर पैड में एलियन भाषा को समझने का ऐप है। जादू और पोरोक के पास? ये तो मेरे डैड की डायरी है। इतनी देर ये डॉक्टर पारा के पास थी, इसीलिए वो हमेशा हमसे एक कदम आगे था। एलियंस ने अपनी टेक्नोलॉजी से एक ऐसा हथियार बनाया था जिससे ह्यूमन रेस तेजी से इवॉल्व होकर सुपर इंटेलिजेंट बन सकती थी। जादरूकियन एलियंस के इस मिशन में मैं पोरोक की मदद कर रहा था। एक्टिवेट होते ही ये हथियार एक एलियन केमिकल के द्वारा दुनिया की कई ऐतिहासिक जगहों पर छिपे हुए ककून्स के रॉ जेनेटिक मटेरियल को एक्टिवेट कर देता। लेकिन गोजोनियंस को भी इस हथियार के बारे में पता चल गया। इस हथियार को एक्टिवेट करने के लिए सन डायल, रुद्राक्ष, जेड कॉन्ट्रैप्शन और साउथ अफ्रीका के लायंस क्राउन में छिपे हुए ब्लू डायमंड की जरूरत है। इसका मतलब ककून्स एक नए गोजोनियन फौज को जन्म देगा। ट्रैकर पैड इसे डिकोड क्यों नहीं कर रहा? फिलहाल तो हमें यहाँ से निकलना होगा। डायरी को अपने साथ ले चलो, जल्दी। कुछ तो बोलिए दादी माँ। साउथ अफ्रीका, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। मुझे कोशिश करनी होगी दादी माँ। ये कोशिश बहुत खतरनाक साबित हो सकती है बेटा। जादू मदद लाने गया है ना?
नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरी प्यारी दादी माँ, आपको भी पता है ये मेरा फर्ज है, मुझे जाना ही होगा। अगर अगर पापा यहाँ होते तो वो भी यही करते। लेकिन कृष्णा, मुझे पता है आपको डर है, लेकिन इस वक्त मुझे मेरी दादी माँ के आशीर्वाद की जरूरत है। जब हमारी सारी दुनिया खतरे में है, तब घर बैठने से क्या होगा। गुड बाय, तुम कभी नहीं सुधर सकते कृष्णा। इस मिशन में बहुत खतरा है मिंग्यू। वही तो मैं कह रही हूँ, आखिर सुपर हीरो को भी तो सुपरविजन की जरूरत होती है। सुपरविजन? और मुझे? हाँ बिल्कुल, मेरी स्किल्स के साथ तुम सेफ रहोगे। और दूसरी बात, मैं साउथ अफ्रीका कभी नहीं गई, दुनिया को बचाने के बहाने मेरी साइट सीइंग भी हो जाएगी। तुम्हारे साथ कोई नहीं जीत सकता मिंग्यू। तो कोशिश ही क्यों करते हो, मान क्यों नहीं लेते कृष्णा? तुम्हें मेरी कंपनी पसंद है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, राइट? बहुत दूर नहीं, चलो कृष्णा। ठहरो, पहले वहाँ क्या चल रहा है ये जान लेना बहुत जरूरी है। लायंस क्राउन के चारों तरफ गार्ड ही गार्ड हैं। उनसे लड़ना किड क्रिश के लिए बहुत ही आसान होगा, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? उनके हथियार एलियन मालूम होते हैं, शायद वो मेरी शक्तियों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हमें उनको चकमा देकर आगे बढ़ना होगा। लगता है तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी कोई प्लान पक रहा है। वाओ, इन्हें मैंने सिर्फ टीवी पे देखा था। गला ठीक है? कृष्णा, तुमने इनसे क्या कह दिया? ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। मैंने इनसे कहा, हे दोस्त, हमें लायंस क्राउन पहुंचने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारी धरती पर एक एलियन अटैक होने वाला है। ये सब जानते हैं कि धरती को खतरा है, हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। वाओ मिंग्यू, जानवर हम इंसानों से कहीं ज्यादा इवॉल्व होते हैं। ये वो सेंस कर सकते हैं जो हम इंसान नहीं कर सकते। मिंग्यू, क्या तुमने कभी एलिफेंट की सवारी की है? ये लो, एलिफेंट की सवारी भी कर ली। नहीं, यकीन नहीं हो रहा, सारे जानवर इस तरफ आ रहे हैं। क्या? कमिन, यू नीड टू, ये किड क्रिश का काम लग रहा है,
क्या तुम्हें किट क्रश? रूप बोंडा गुजोनियन से मिला हुआ है। मैंने कहा था ना, मामला कुछ और है। मिस्टर मीडिया मोगल, ये कोई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नहीं है। मुझे रूप बोंडा के बिल्कुल पीछे ही एंट्रेंस में अंदर जाना होगा। ये कह रहे हैं कि लायंस क्राउन के अंदर जो भी गया है वो कभी लौटा नहीं है। फिक्र मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ किट क्रिश। नहीं मिंग्यू, लायंस क्राउन के खतरों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तुम्हें हमारे दोस्तों के साथ यहीं रहना होगा, ये हमारे मिशन के लिए जरूरी है। ये सीमा हमें बाहर रखने के लिए बनाई गई थी। अगर हम अंदर कदम रखेंगे तो पूरा माउंटेन कॉम्प्लेक्स तबाह हो जाएगा। सिर्फ एक ह्यूमन सैंडाइल के साथ इसमें एंटर कर सकता है। अब ब्लू डायमंड को हासिल करना तुम्हारे ऊपर है रूप बोंडा। ये सैंडाइल तुम्हें रास्ता दिखाएगा और तुम्हें शक्तिशाली बनाकर सारी कठिनाइयों को पार करने में तुम्हारी मदद करेगा। जब ब्लू डायमंड तुम्हारे हाथ लग जाएगा तब हम लायंस क्राउन में प्रवेश कर सकेंगे। हमें जाना होगा, शायद हमारी मौजूदगी में दरवाजा ना खुले। यही मौका है। बचाओ बचाओ, जादूकियन आर्मी चीफ असल में गुजोनियन है। टोटो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं सुन सकता। हम इनर डिटेंशन सेंटर के सेल में हैं, समझे? हाँ? क्या बात है जादू? पापा, क्या आप मुझे सुन सकते हो? फोर्स फील्ड कैप्टन बोरो को ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए मेरी ब्रेन वेव्स नहीं पहुंच रही। तुम इसे तोड़ सकते हो? मुश्किल है, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए फोर्स फील्ड को कमजोर कर सकता हूँ। हाँ? कुछ सेकंड्स काफी है टोटो, आपको मेरी आवाज सुननी ही होगी पापा। अभी पापा, जादू तुमने हार नहीं मानी जादू, तुम तीनों ने, मुझे गर्व है तुम पर। कामयाबी हमेशा रूप बोंडा के कदम चूमती है। हमेशा। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर बोंडा। किट क्रिश, पहले आपको मुझसे लड़ना होगा। We'll be right back.
आप गलत लोगों का साथ दे रहे हो मिस्टर बोंडा। रूप बोंडा कभी गलती नहीं करता। तुम्हारे कोई सुपर पावर्स नहीं बचे बच्चू। अब तुम एक मामूली इंसान से भी कमजोर हो। आई होप तुम्हें तैरना तो आता होगा सुपर हीरो। कैप्टन पारोक, तुमने इंटरगैलेक्टिक काउंसिल के रूल्स तोड़कर हमें कांटेक्ट किया है, इसका नतीजा जानते हो? ऑनरेबल काउंसिल, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये एक इमरजेंसी की घड़ी है। गोजोनियंस यूनिवर्स को अपने कब्जे में करने का प्लान बना रहे हैं, अपनी कॉम को दोबारा जागृत करके। गोजोनियंस, उनकी कॉम तो खत्म हो चुकी है कैप्टन पारोक। मेरा यकीन मानिए, कुछ गोजोनियंस जिंदा हैं और उनके कई जासूस पृथ्वी तक पहुंच चुके हैं। उनका एक जासूस हमारे बीच मौजूद है। जादरुकियन आर्मी चीफ असल में एक गोजोनियन है। तुम एक हाई रैंकिंग ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हो। मेरे पापा सच बोल रहे हैं। पृथ्वी पर हमें गोजोनियन प्लान के कुछ सबूत मिले और जब हमने आर्मी चीफ को ये बात बताई, उसने हमें डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया। आर्मी चीफ को शिप पर लोकेट नहीं किया जा रहा, वो लापता है। ये देखो। कैप्टन पारोक, तुम्हारा शक सही निकला। हमारे रिपोर्ट्स पृथ्वी पर गोजोनियन बायोसिग्नेचर्स डिटेक्ट कर रहे हैं। गोजोनियंस के खतरे का जल्द से जल्द सामना करने के लिए कि सारे इंटरगैलेक्टिक फोर्स को पृथ्वी पर हमला करने के लिए तैयार किया जाए। पृथ्वी को फौरन तबाह करना होगा, वरना सारा यूनिवर्स नष्ट हो सकता है। प्लीज, पृथ्वी पर हमारा दोस्त गोजोनियन को रोकने में हमारी मदद कर सकता है। जी हाँ, प्लीज। मेरी काउंसिल से दरख्वास्त है कि मुझे पृथ्वी पर खुद जाकर गोजोनियंस को रोकने की इजाजत दी जाए। मेरा पृथ्वी पर पहला मिशन भले ही अधूरा रहा हो, लेकिन मैं पृथ्वी और गोजोनियन रेस से वाकिफ हूँ। मेरी जानकारी के साथ मैं गोजोनियंस को हरा सकता हूँ। कैप्टन पारोक, परमिशन ग्रांटेड। यस। लेकिन ध्यान रहे कैप्टन पारोक, तुम्हारे पास गोजोनियंस को रोकने के लिए सिर्फ 12 घंटे हैं। अगर तुम नाकामयाब रहे तो इंटरगैलेक्टिक सेना पृथ्वी को नष्ट कर देगी। मेरे गोजोनियन साथियों, तैयार हो जाओ, हमारे छिपने का वक्त अब खत्म हो गया है। पृथ्वी पर हम गोजोनियंस का राज होगा। वक्त आ गया है हमारी कौम को उसकी सही जगह दिलाने का। इसके साथ हम हमारी रेस को एक बार फिर जीवित करेंगे। हमारी किस्मत हमारा इंतजार कर रही है।
सेंट्रल चैम्बर रेडी। रूप पांडा, अब तुम्हें हमारे लिए एक और काम करना होगा। बॉस हियर, कम इन कंट्रोल रूम। जी सर, स्टैंडिंग बाय फॉर ऑर्डर्स। हमारे सारे नेटवर्क ट्रांसमिशंस को डाइवर्ट करो। सर, क्या आप श्योर हैं? पूरी दुनिया में हमारे हर चैनल पर लायंस क्राउन का लाइव फीड दिखाई देगा। मैंने जो कहा है वो करो और निकलो रूम से। नमस्कार पृथ्वी वासियों, मैं पृथ्वी का नया लीडर हूँ। हमारे गोजोनियन कौम की लड़ाई हम यहाँ से लड़ेंगे और पृथ्वी के लोग इसमें हमारे गुलाम होंगे। पूरे गैलेक्सी पर होगा गोजोनियन राज। तुम्हारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो डॉक्टर पारा के पास भी है बेवकूफ। पेज 42। हाँ, अगर ब्लू डायमंड को प्रोसेस के बीच से निकाल दिया जाए तो अचानक प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और फिर सब कुछ बिगड़ सकता है। देखो चैप्टर 12। क्यों हूं ना मैं जीनियस? तुमने क्या सोचा? डॉक्टर पारा के अंदर से एक चिप निकालने से डॉक्टर पारा मर जाएगा। ये क्या? कृष्णा, वो लांस क्राउन के वॉटरफॉल की तरफ है। बस हम पहुंच रहे हैं। वहां था, वो मेरे साथ थे, पापा और मैं बिल्कुल पहले की तरह। मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकता, अभी तो मुझे मेरे दोस्त को दिया हुआ वादा पूरा करना है।
से आ गया? कोई बात नहीं, तेरी कहानी का अंत डॉक्टर पारा के हाथों लिखा गया है। काम में देरी कैसी? डॉक्टर पारा की नई सेना तैयार हो जा। प्रोसेस को स्पीड अप करना है। जल्दी करो कैप्टन पुरोक, तुम्हारे 12 घंटे खत्म हो रहे हैं। अपने स्वर्गवासी पिताजी को मिलने के लिए तैयार हो जाओ। उनको ना डॉक्टर पारा का शुक्रिया कहना। रोहित की वजह से ही तो अब सारे यूनिवर्स पर डॉक्टर पारा का राज होगा। बस अब 5 मिनट में कुकून्स के अंदर कुजोनियन जिंदा होंगे और मैं उनका लीडर डॉक्टर पारा। यानी सिर्फ 120 सेकेंड के बाद पृथ्वी पर इंटरगैलेक्टिक अटैक होगा। 119, 117, 116, अब क्या होगा? एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम इस इंफॉर्मेशन को डिकोड नहीं कर पाए। क्या ये हमारी मदद कर सकता है? सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन, ये रोहित के डायरी से है। सन डायल पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन के इंस्ट्रक्शंस, ये मुझे कृष्णा को कम्युनिकेट करना होगा। काउंट डाउन शुरू। 10, 9, 8। तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। तुम्हें पृथ्वी को बर्बाद करने नहीं दूंगा। के खतरे को बहादुरी से खत्म करने के लिए काउंसिल आपको बधाई देता है। शुक्रिया, लेकिन इसमें मैं अकेला नहीं था। काउंसिल पृथ्वी से लौटने का आदेश सुनाती है। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं।